ओके स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये अगर आप टॉपिक को स्टार्ट करें और अगर आप कोई किताब देखें तो वो ऐसे शुरू करेगी व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फिर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और पता नहीं क्या कुछ बीच में चलता रहता है और E.dl करते रहते हैं बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं क्या कुछ इसमें कहानी है। देखो मैं इस तरीके से पढ़ाता नहीं हूँ, मैं तीनों चीज़ें आपको इकट्ठी पढ़ाऊंगा अभी और इस किताबी लैंग्वेज से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा जो इसमें बुक्स में लिखी हुई हैं, ये तो बाद में एक मिनट में समझ आ जाएगी। जो मैं दिखा रहा हूँ ना इसमें कुछ भी नहीं करना, ये चार पांच शीट तो आप खुद ही बना लोगे अभी। आप पहले मेन चीज़ को समझना कि हम करने क्या वाले हैं, राइट। तो पॉइंट नंबर वन, हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। तीन चीज़ें इकट्ठी चलनी हैं, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी अकेला बोल सकता हूँ मैं, एक बार बोलूँगा हम क्या कर रहे हैं इस टॉपिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर मेरे को हर बार बोलने में बहुत मुश्किल लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक हटा दूंगा, हम क्या करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पर कई लोग फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई पोटेंशियल तो पहले भी की थी MGH, फिर कहते थे कि स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, आज बोलते हैं एक नई एनर्जी है, हर में नई एनर्जी है। देखो मैं आपको समझाता हूँ एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी सिस्टम में एनर्जी कब आती है, कोई भी सिस्टम है, आप पत्थर को ग्राउंड से ऊपर ले जाओ, हम बोलते हैं कि भाई उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। आप एक स्प्रिंग को खींच दो, एक्सपैंड कर दो या कंप्रेस कर दो, हम कहते हैं एनर्जी स्टोर हो गई। ऐसा ही होता है, हम आज बोल रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, चार्जेस को पास ले आओ, एनर्जी स्टोर हो गई। भाई ऐसे कैसे एनर्जी स्टोर हो जाती है, जब भी आप नेचर के अगेंस्ट काम करते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब नेचर क्या कहती है, नेचर ये कहती है, स्प्रिंग ये कहता है कि मेरे को नहीं खींचना, आप कहते हो कि मैं तेरे को खींच के छोड़ूंगा, तो आप क्या करोगे, वर्क डन, आप वर्क डन करके जबरदस्ती करके उसको खींच तो दोगे, आप छोड़ दो, जब छोड़ोगे तो क्या होगा, वापस आ जाएगा। क्यों, उसमें क्या स्टोर हो जाएगी, स्प्रिंग एनर्जी। पत्थर है, पत्थर कहते हैं मेरे को ज़मीन पे रहना है, आप कहते हो अगेंस्ट ग्रेविटी में ऊपर लेके जाऊंगा, जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर लेके जाओगे तो आपको अगेंस्ट ग्रेविटी क्या करना पड़ेगा, वर्क डन MGH। तो जब आप वर्क डन करते हो तो वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा उस पत्थर में इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब छोड़ दो पत्थर नीचे आएगा। अब उसी तरीके से दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस क्यू एंड क्यू पॉजिटिव हैं, आप उन्हें पास ले आए, वो कहते हैं हमें पास आना ही नहीं, हम तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हम नहीं आना चाहते पास, आप कहते हो कैसे नहीं आएगा, आप जबरदस्ती पास ला रहे हो, क्या करोगे, वर्क डन, छोड़ दो उन्हें, जब छोड़ोगे तो दोनों फिर भाग जाएंगे। तो पूरे सिस्टम में क्या स्टोर हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव कहते हैं मैं नेगेटिव को खींच लूं, वो पास आ रहे हैं, तुम कह रहे हो पास कैसे आ रहे हो, दूर जाओ, तो आप दूर लेके जाने के लिए क्या करते हो, वर्क डन। तो अब उल्टा वर्क डन है, अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन है, तो क्या स्टोर हो जाएगी, एनर्जी, जब आप छोड़ दोगे फिर पास आ जाएंगे। अब अगर आप पूरी फिजिक्स को वापस से रिकॉल करो पांचवीं क्लास से, चौथी क्लास से, पांच जब से फिजिक्स स्टार्ट साइंस स्टार्ट हुई, तो आपको ये सिखाया होगा, सबसे पहले कभी भी साइंस में स्टार्ट किया जाता है कि टाइप ऑफ एनर्जीज है ना, या फिर मोशन या फोर्स, तीन ही चीज़ें होती हैं। मोशन को छोड़ दें तो पूरे फिजिक्स में स्टडी करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, या फोर्स या एनर्जी, या वर्क डन या एनर्जी, दो चीज़ें होती हैं। अभी भी वही है, आधा इलेक्ट्रोस्टैट्स हमने किसके साथ चलाया, फोर्स, अभी तक जब स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर बनाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहाँ से बना था, ई फोर्स अपॉन चार्ज, तो था तो भी फोर्स का ही एक बाय प्रोडक्ट था ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पास नहीं आना चाहते, मैं जबरदस्ती ले आया, मैंने क्या लगाई, फोर्स, मैंने छोड़ दिया, दोनों ने एक दूसरे में क्या लगाई, फोर्स, वो सेपरेट हो गए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ओके अगेन दो चार्जेस हैं, पास नहीं आना चाहते, मैं पास ले आया, मैंने क्या किया, वर्क डन, उनमें क्या स्टोर हो गई, एनर्जी, जिससे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट। देखो चीज तो वही है ना, एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, पहला फोर्स, दूसरा
एनर्जी, फोर्स वेक्टर का तरीका है, एनर्जी स्केलर है। तो हम दो ही क्वांटिटीज पढ़ते हैं फिजिक्स में, या वेक्टर या स्केलर। तो हमने आधा इलेक्ट्रोस्टैट्स किया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, आधा क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केलर। तो पहला कॉन्सेप्ट फोर्स का चला, दूसरा कॉन्सेप्ट एनर्जी का चलेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसको समझते हैं। देखो, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की याद है डेफिनेशन? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला था माइनस जी एम एम बाय आर। अच्छा, मैं समझाता हूं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास एम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट जहां पर मुझे एनर्जी निकालनी है। याद आ रहा है कुछ? बड़ी मतलब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और नीचे की डेफिनेशन कभी देखी नहीं होगी आपने, कि ये क्या, किस अंग्रेज ने बना दी, इन्फिनिटी पे क्यों जाएंगे भाई, तू वैसे ही बता दे एम जी एच है। ऐसा ही था। तो मतलब कैसे, इन्फिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी पे क्यों जाते हैं भाई? नहीं, चलो ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप ऐसे करो, आप छोड़ो इलेक्ट्रोस्टैट्स को, ये एक स्टूडेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लास में और कोई नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक और स्टूडेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों क्लास में एक दूसरे को देख नहीं सकते, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। ठीक है, तो ये चार्ज कहता है, ये स्टूडेंट कहता है कि भाई अगर मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आ गया मैं उसको बाहर भगा दूंगा। ऐसा ही होता है ना प्रैक्टिकली भी। अब मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ जो क्या करने वाला है, वर्क डन, जो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। मैंने इसको कहा कि चल तू यहाँ बैठ, या तू अपने घर से चल यहाँ पर बैठ, क्लास में कोई नहीं है। ये कहता है मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, इसको उठा के नहीं लाना पड़ा घर से, ये खुद ही आ गया। कहते जहाँ बैठाओगे वहाँ बैठ जाऊँगा, यही मेरा घर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बैठ गया, बैठे। अब मैं उसके घर गया, उसका घर का मतलब है कि इसके फील्ड के बाहर जो भी, जहाँ भी ये रहता है, ये कहते हैं भाई मेरे को लेना देना नहीं, मेरे फील्ड के अंदर नहीं होना चाहिए, बाकी दुनिया में जहाँ मर्जी रहे। तो मेरे लिए चाहे वो यूनिवर्स में जहाँ मर्जी रहे, बस मेरे फील्ड में ही होना चाहिए। तो अगर फील्ड के बाहर चला गया तो ये क्या बोलता है, इन्फिनिटी। तो इसका घर कहाँ पर है, इन्फिनिटी। तो इसके फील्ड के बाहर तो दुनिया में जहाँ मर्जी हो, क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ता, ये फोर्स लगा ही नहीं पाता, तो इन्फिनिटी से बोलते हैं। पॉइंट समझा, इन्फिनिटी क्या है? तो इसका घर या इसके फील्ड से बाहर है, या ये जो चार्ज है इसके फील्ड से बाहर है, तो इन्फिनिटी पे है। अब मैं जाता हूँ और इसको यहाँ बैठाता हूँ, तो यहीं बैठ। मैं इसको कहता हूँ दूसरे स्टूडेंट को, भाई चले काम कर, तू चार्ज है, तू भी क्लास में चल। ये कहता है मैं नहीं जा सकता। मैं कहा क्यों नहीं जा सकता? क्यों? कहता है कि यहाँ पर फील्ड है, मैं इसके फील्ड में एंटर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इसे रिपेल करूंगा, ये मुझे रिपेल करेगा, हम दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मैं खुद तो नहीं जा पाऊंगा, कम से कम मैं खुद चल के कैसे जाऊं, मैं दूसरे के इलेक्ट्रिक बिल में एंटर भी नहीं कर सकता। ऐसा ही है, अगेंस्ट नेचर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे पे वर्क डन करता हूं, तो तू चिंता ना कर, ये चार्ज तेरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा रिपल्शन की, पर मैं वर्क डन करूंगा तेरे ऊपर और तेरे को इसके फील्ड में लेके आऊंगा। अब जैसे ही मैं इसको पकड़ के लेके आ रहा हूं, इसने फोर्स लगानी शुरू कर दी, रिपल्शन की फोर्स लग रही है, मैं इसको खींच खींच के लेके आ रहा हूं कि चल। अब मेरे को क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन। मैंने इसको आठ डिस्टेंस दूर बिठा दिया, छोड़ नहीं सकता दोनों को, जहां मैंने इनको छोड़ा ये फिर भाग जाएंगे, पकड़ के रखा हुआ है। तो मैंने एक चार्ज को दूसरे चार्ज के फील्ड में जब लेके आया, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी, तो क्या किया, वर्क डन। वो वर्क डन स्टोर हो गया इनके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही मैंने छोड़ता हूं, ये कहां चला जाता है, इसके फील्ड से बाहर, फिर कहां पर, एट इन्फिनिटी, खत्म कहानी। तो जो वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी है, खत्म। तो अगेंस्ट नेचर काम हो रहा है, इनकी नेचर कहती है हम एक दूसरे के फील्ड में नहीं रहेंगे, पर मैं वर्क डन करके लेके आ रहा हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपने आप स्टोर हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। तो डिफाइन करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, कोई भी चार्ज का नाम, टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट, कुछ भी बोल दो, चार्ज, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट आर डिस्टेंस अपार्ट। जो भी आर डिस्टेंस अपार्ट आपने वर्क डन किया, वो वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बन गई डेफिनेशन, पहला पॉइंट सबको क्लियर है?
ठीक है, याद करने की जरूरत क्या है? अब समझ में आया जिस बंदे ने इन्फिनिटी इन्फिनिटी की वो क्या बोलना चाहता है? वो ये बोलना चाहता है भैया इसके फील्ड के बाहर इन्फिनिटी है, ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट इज पोटेंशियल जी हो गई। दूसरा पॉइंट जो हम स्टडी करेंगे वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल का सिंबल क्या है? वी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? यू। अब पोटेंशियल क्या कहता है? पोटेंशियल कहता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि ये क्यू चार्ज है, इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को लेके आए हैं आर डिस्टेंस अपार्ट, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। यही किया हमने। पोटेंशियल ये कहता है कि फिर से सेम गेम खेलते हैं और क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, आर डिस्टेंस अपार्ट लेके आते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, पर इस अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। सेम है, कोई फर्क तो है नहीं। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि आप क्यू नॉट को क्यों लेके आते हो, या ऐसा बोलता है कि ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, ये कितने चार्ज को कैरी करने का वर्क डन है? क्यू नॉट। तो अगर मैं क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां लेके आऊं तो मुझे कितना काम करना पड़ता है? वर्क डन इतना ही करना पड़ता है। तो अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट का वर्क डन इतना है, तो वन का वर्क डन कितना है? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अरे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे फोर्स के बाद फील्ड पढ़ा रहा है कोई, एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज फील्ड। सेम ही तो है, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज पोटेंशियल। तो ये डेफिनेशन किसकी है? पोटेंशियल। डेफिनेशन समझ में आई? तो फिर से वर्क डन अगर मैं क्यू नॉट को लेके आता हूं यहां से यहां, तो वर्क डन है यू डब्ल्यू। कितने चार्ज को लेके आया? क्यू नॉट। तो क्यू नॉट का इतना वर्क डन, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का कितना वर्क डन? बाय क्यू नॉट। आंसर क्लियर है यहां तक? तो ये डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को डिफाइन करें, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज, नॉट क्यू नॉट चार्ज, इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज, क्योंकि डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट कर दिया, इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। तो बन गई डेफिनेशन। अगर मैं क्यू नॉट के वर्क डन को कैलकुलेट करता हूं तो वर्क डन या एनर्जी, लेकिन अगर मैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करता हूं तो पोटेंशियल। तो अगर इसके यूनिट जूल हैं तो इसके यूनिट क्या है? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। जूल तो साइंटिस्ट का नाम था, जूल मालूम है ना, जूल साइंटिस्ट का नाम है, चार्ज कूलम, कूलम भी साइंटिस्ट का नाम है। तो जूल और कूलम दोनों साइंटिस्ट के रिजल्ट्स को समझ के पोटेंशियल की डेफिनेशन आई, और किसने बनाई? वोल्ट ने। साइंटिस्ट का नाम है वोल्ट, तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल बाय कूलम। समझ में आ रहा है यहाँ तक? सोचो तीन साइंटिस्ट बैठे हैं, एक रूपम है, एक जो है जतव्य है, और एक जो है दिव्यांश है। तो दोनों ने रिजल्ट किया, दिव्यांश और उधर से जो है जतव्य, तो आपस में ऐसे ही कुछ बनाते हैं, रूपम इज इक्वल टू दिव्यांश डिवाइडेड बाय जतव्य। अजीब लग रहा है पर ये तो हुआ है, ये तो हो ही गया। कोई भी साइंटिस्ट जब काम करता है तो ये ट्रेंड है रिसर्च में कि भाई अपना नाम उसमें ज़रूर बनाता है, अपने कॉन्स्टेंट्स का नाम अपने नाम से बनाता है ताकि छाप छोड़े कि मैंने कुछ किया है। ठीक, तो आपके सामने ही है। ठीक है, तो वोल्ट ने काम किया, इसलिए पोटेंशियल के यूनिट्स क्या हैं? वोल्ट्स। एक ही बात है। ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट है कि ये तो हो गया पोटेंशियल। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस। आप मानोगे नहीं, मैं आपका 50% चैप्टर, 50% कह रहा हूँ, शायद ज़्यादा ही, अभी ख़त्म कर दूंगा। ये अगर आपको समझ में आ गया ना जो मैं समझा रहा हूँ, आपको 50% चैप्टर में ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, यही डेफिनेशन से ही सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर दूंगा जितने भी न्यूमेरिकल हैं। और इसके बाद अगर दो तीन और डेफिनेशन जो अगली बार कंटिन्यू होंगी, अगर मैं सिर्फ वो बता दूँ, आपको प्रूफ ना बताऊँ मैं, तो भी सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकता हूँ इस पूरे चैप्टर के। भाई इतना ही कॉन्सेप्ट है।
है कि नहीं बढ़िया? ठीक, पर क्योंकि फॉर्मल है चीज़ें टॉपिक वाइज चलेंगी, पर आपको टॉपिक को समझना ईजी हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखें। फॉर्मूला से भी काम चलता है, डीप डेरिवेशन में नहीं जाओ तब भी काम चलता है। प्रॉब्लम तब आती है जब ज़रा सा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन को टेढ़ा कर देता है, फिर अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता ना फिर नहीं आंसर आ पाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दो चार्जेस हैं, ये अगला लेक्चर है वैसे हमारा, पर मैं एक एग्जांपल के साथ इसको आपके माइंड में डालना चाहता हूँ ताकि आप सोचें सोचें। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस, एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो एक Q1 ने Q2 को रिपेल किया, वर्क डन किया W। अब मैंने उस चार्ज को क्या किया, दूर करने की बजाय उस चार्ज को उसके पास ले आया, तो वर्क डन लगा W। मतलब कि अगर Q चार्ज है, ये Q डैश है, Q ने Q डैश को R धक्का मार दिया, रिपेल किया, फोर्स लगाई, तो वर्क डन किया। उल्टा मैंने उस Q डैश को वहां से उठाया और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे वापस रख दिया। पहले केस में वर्क डन किसने किया, चार्ज ने किया। दूसरे केस में वर्क डन किसने किया, मैंने किया। अब ये भी झगड़ा है, किसने काम किया? ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो, किसने काम किया, इलेक्ट्रोस्टैट्स ने काम किया कि एक्सटर्नल ने काम किया? एक्सटर्नल मैं हूँ, एक्सटर्नल मुझे बोलते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैट्स क्यू की ने जो वर्क डन किया वो इलेक्ट्रोस्टैट्स है। अब देखो, अगर कोई ये याद करके चला जाए भी वर्क डन होता है वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या क्या होगा? वो पूछ लेगा भाई ये वर्क डन किसका है, फेल। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आज सिर्फ वर्क डन ही करेंगे, वैसे ये वर्क डन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगेंस्ट रिपल्शन काम कर रहा हूँ। बट आने वाले टाइम में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कौन वर्क डन कर रहा है। आइडेंटिफाई भी करना होता है कि किसने वर्क डन किया, ठीक, तो और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं जिसमें और वो कंफ्यूज कर देता है कि किसने काम किया ये भी बताओ। तो उसमें फिर हमें पता होता है कि अगर ये दूर जा रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये उसने काम किया होगा, और अगर मैं अगेंस्ट नेचर काम कर रहा हूँ तो फिर मैंने काम किया होगा। तो ऐसे डिफाइन करते हैं। बट चलो, इन एनी केस पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है, पोटेंशियल क्लियर है। अब तीसरी टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है कि सपोज आपके पास ये क्यू चार्ज है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ए पॉइंट है। आप किसी चार्ज क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ ले आए, कहाँ से कहाँ ले आए, बी से ए पे ले आए। आप कहोगे सर ये बी चार्ज है, इन्फिनिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चलो नहीं है, मान लो नहीं है, और ये ए और बी चार्ज दोनों क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हैं। ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं ये Q चार्ज के दायरे के अंदर ही हैं, और मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ ले आया। अब आप सोचने वाली बात है कि आपको कि यहाँ पे कैसे आया, वो तो ऑब्वियसली कहाँ से आया होगा, इन्फिनिटी से लेके आया होगा। पर चलो पिछली स्टोरी हमने डिस्कस करते, मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो चार्ज है वो बी पॉइंट पे है, और वो कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, मैं ए पे लेके आ रहा हूँ, राइट। तो मैं चार्ज को बी से ए पे लेके आ रहा हूँ, तो बी से ए पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जितना भी करना पड़ा, कितने चार्ज को लेके आने के लिए, क्यू नॉट, इतना करना पड़ा, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, जूल। लेकिन अगर कोई कहे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के बी से ए पे लेके आना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि चार्ज कहां से कहां आ रहा है, बी से ए पे आ रहा है, बी से ए पे आ रहा है, फाइनाइट डिस्टेंस टू फाइनाइट डिस्टेंस आ रहा है। तो इस रेशियो को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या फर्क है, पोटेंशियल डिफरेंस भी यही है, पोटेंशियल भी यही है। पोटेंशियल डिफरेंस में बी पॉइंट से ए पॉइंट पे चार्ज को लेके आ रहे हैं, पोटेंशियल में इंफिनिटी से फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, बस बात खत्म। तो तीनों टॉपिक क्लियर है ये कि कैसे इनको डिफाइन किया जा रहा है, कोई डाउट इसमें? कौन सा, मैं लाइक कर भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि बी पॉइंट इन्फिनिटी पे हो जाए। अगर बी पॉइंट इन्फिनिटी पे हो गया
तो फिर वहां का पोटेंशियल जीरो हो जाता है इन्फिनिटी पे। मेरे कहने का मतलब आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है एक पॉइंट को तो फील्ड में होना ही पड़ेगा, दूसरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ओके, आज की रेट में होना पड़ेगा, डन, होना पड़ेगा। वो कब नहीं होना पड़ेगा अभी मैं टाइम के साथ बता दूंगा आपको, अभी इट्स टू अर्ली, थोड़ा सा जल्दी है बताने के लिए, भी नहीं शायद जाता हुआ बता दूंगा अभी आपको। कहाँ पे इसकी इसकी ये वाला, ये कुछ नहीं है, डेफिनेशन है कि अगर मान लो मैंने एक चार्ज क्यू नॉट को रखा और मेरा वर्कडन 10 जूल है, तो यूनिट पॉजिटिव का वर्कडन क्या होगा, 10 अपॉन क्यू नॉट। ये वैल्यू है, ये कोई वर्कडन तो स्केलर है ना, तो मैं कोई इसमें दिखा नहीं सकता कि ये वर्कडन कहाँ से, पॉइंट्स नहीं है वर्कडन के, बस इतना मैंने काम किया, बात खत्म। ठीक, बताता हूँ, वैसे ये भी बता देता हूँ कि कैसे हुआ, दो मिनट, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, आप निकालने की कोशिश ना करें, मैंने आपको कोई पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बताया ही नहीं, तो आप ना तो पॉइंट देखें प्लस वन कहाँ पर है, ना आपको ये पूछें कि वो पॉइंट लाई करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो वर्क डन है अगर आप इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आते हो किसी फिक्स पॉइंट पे तो एनर्जी है, और अगर आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते हो इन्फिनिटी से पोटेंशियल है, और फिक्स पॉइंट टू फिक्स पॉइंट का वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है। वो तीन चीज़ें बताई मैंने, क्या ये ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ठीक है, यस सर, ओके। देखो तो अब दूसरी चीज, एक और चीज मुझे बतानी है, आपको ऐसा फील आ रहा होगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स फिर से स्टार्ट हो गया, तो हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, फोर्स, फिर हमने क्या किया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फिर आज हमने क्या की, एनर्जी, फिर हमने क्या किया, एनर्जी पर यूनिट, सेम ही इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट हो गया, फोर्स फील्ड एनर्जी पोटेंशियल, तो एक ही चीज़ है। आपको के फिर से वही वो इधर पॉइंट लो उधर पॉइंट लो, नहीं कुछ नहीं, ये वाला जो पार्ट है ज़्यादा इजी है इससे, रीज़न क्योंकि इसमें वेक्टर भी इन्वॉल्व है, इधर वेक्टर उधर वेक्टर, गड़बड़ नहीं हो, इसमें स्केलर है, कुछ नहीं है, वैल्यू लिख देनी आंसर, कोई वेक्टर नहीं, कोई इधर नहीं, कोई पैलोग्राम नहीं, कुछ नहीं करना, ईजी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें, क्लियर है? तो ये पॉइंट यहाँ तक चार चीज़ें चलेंगी, अब हम इस पार्ट पर काम करेंगे, ये भी समझ में आ रहा है। अब जरा वापस चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें डायरेक्शन पता लगती है कि कोई चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपके पास कोई भी चार्ज है क्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को ये पता है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कहाँ जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्शन बताता है चार्ज की, कहाँ से कहाँ चार्ज मूव करेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। कोई डाउट इसमें? बताता है। पोटेंशियल भी यही काम करता है, पोटेंशियल भी बताता है कि आपका चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा। जैसे पत्थर कहाँ से कहाँ जाता है, पत्थर को ऊपर जब नीचे ऐसे फेंकते हो, फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी, या फिर फ्रॉम अ हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू अ लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चार्ज भी कहाँ मूव करता है, फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, ये नेचर का लॉ है, आपने पढ़ा भी होगा 10th में, पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। अब आपको ऐसा नहीं गिवन होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है, बोलो कहाँ जाएगा, ना ना, अब आपको ऐसे गिवन होगा कि मान लो एक पॉइंट है जहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, अगला पॉइंट है या ये रीजन है जहाँ पर 8 वोल्ट का पोटेंशियल है, 6 वोल्ट का, 4 वोल्ट का, 2 वोल्ट का। वो कहेगा एक चार्ज है क्यू पॉजिटिव, बोलो कहाँ मूव करेगा, आप बोलोगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ, कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स राइट, हायर से लोअर। अब बोलने का तरीका चेंज हो गया ना, पहले वेक्टर्स ड्रॉ कर, लाइंस ड्रॉ कर, एफ वेक्टर ड्रॉ कर, लेकिन अब क्या है, वैल्यू से ही आप, मैं बोलूँगा ये 10 वोल्ट है या 8 वोल्ट है, बोलो चार्ज कहाँ जाएगा, आपको कि 10 से 8 पे जाएगा।
दो बॉडीज हैं, दो चार्जेस, जो चार्ज बॉडीज हैं, एक बड़ा स्फेयर एक छोटा स्फेयर, एक एक में ज़्यादा चार्ज है एक में कम है, ज्वाइन कर दो वायर के साथ, चार्ज मूव करेगा फ्रॉम अ हायर चार्ज बॉडी टू अ लोअर, ऐसा बोलते नहीं है, गलत है, फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल बॉडी टू अ लोअर पोटेंशियल बॉडी, फ्रॉम चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, हाँ आपकी बात ये सही है, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है, वैसे चार्ज ज़्यादा है तो पोटेंशियल ज़्यादा है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पोटेंशियल आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, कि चार्ज की कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो सकती है, तो सेम ही चीज़ है, बताने का तरीका थोड़ा सा स्केलर में हो गया, उसमें वेक्टर हो गया। तो अगर आप वापस अपने इस डेफिनेशन पे चलें, ये लो, तो ये चैप्टर जो स्टार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, पोटेंशियल की डेफिनेशन, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, क्योंकि चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू वेज, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक चार्ज है उसके आसपास एक ऐसा दायरा है जहाँ पर फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, उसको फील्ड बोलते हैं। इसको बताने के अब हमारे पास एक नहीं दो तरीके हैं, पहला तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके आसपास, और दूसरा तरीका पोटेंशियल। तो अगर एक चार्ज के आसपास ई प्रेजेंट है तो उसका दायरा है, कोई और चार्ज को उस दायरे में रखोगे तो वो खींच लेगा उसे या रिपेल कर देगा, उसी तरीके से अगर चार्ज है उसके आसपास वी प्रेजेंट है, उसका पोटेंशियल प्रेजेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका अफेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट है, और अगर आप वहाँ पर चार्ज को रखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो जो काम ई कर रहा था वो काम इसमें वी कर देगा, बस फर्क ये है कि वो वेक्टर में करता है, ये स्केलर में कर देगा। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है। तो अगर हम डिफाइन करें किसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में ये Q1 चार्ज है, इन्फिनिटी है, और Q2 चार्ज है। तो इन्फिनिटी से Q2 को उठा के लेके आए, जब आप Q2 को इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहे हैं और कहाँ पे रखना चाहते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो आप इसे लेके आएंगे, लेकिन अब कभी ना कभी तो ये इसके दायरे में आ ही जाएगा, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, और जिस चार्ज को उठा के लेके आते हैं Q2, अब वो कभी ना कभी इसके दायरे में आएगा, तो ये Q1 इसे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन F, एग्रीड, तो एफ फोर्स लगाएगा। अब मान लो किसी इंस्टेंट पर इस Q2 की दूरी यहाँ से x है, मान लो Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस x है अभी, अब x कम कम होता होता कभी ना कभी r हो जाएगा, कि फाइनली आपको वहाँ पर कहाँ पर प्लेस करना है, जब इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो जब ये x है तो फोर्स कुछ और लगेगी, क्या लगेगी, 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई x का स्क्वायर। अब जैसे जैसे पास लेके आ रहे हो x चेंज होता जाएगा, x कम कम कम, तो फोर्स इज वेरिएबल, और वेरिएबल फोर्स में जब वर्क डन निकालने होते हैं तो इंटीग्रेशन, वेरिएबल कोई भी चीज़ होगी तो इंटीग्रेशन, तो आपको वर्क डन निकालना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो जब आपका चार्ज यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक, तो ये चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो वर्क डन की वैल्यू स्मॉल निकालते हैं पहले, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर dx है तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, एफ टी एक्स कॉस 180, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 180, कॉस 180 क्या होता है मैथ्स में, माइनस 1, ये रहा फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1 बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर। तो आपको कहाँ से कहाँ वर्क डन करना है, फ्रॉम इन्फिनिटी से आर, क्योंकि चार्ज को कहाँ से लेके आना है, चार्ज को लेके आना है क्यू वन से क्यू टू के बीच में दूरी इन्फिनिटी से कहाँ पर, आर पे, तो इन्फिनिटी से आर, तो लिमिट लग गई, एक्स की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स में एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, और वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है मैथ्स में, जीरो। आंसर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। लो फॉर्मूला लिस्ट में एक और फॉर्मूला ऐड कर लो, अगर क्यू वन क्यू टू चार्जेस हैं और r डिस्टेंस अपार्ट हैं तो उनमें एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r, बढ़िया फॉर्मूला है, r स्क्वायर लगाएंगे तो फोर्स आएगी, r लगाएंगे तो एनर्जी आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, तो बढ़िया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो ना दो मिनट लिमिट लगाई आंसर, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन थी, कि आपका चार्ज कहां से कहां आएगा, ए से बी पे आएगा, इन्फिनिटी का कोई चक्कर नहीं,
तो ए की दूरी कितनी है आर ए, और फाइनल बी की दूरी कितनी है आर बी। पूरा टॉपिक विल रिमेन सेम, इंटीग्रेशन सेम, लिमिट चेंज कर दो सिर्फ, कहाँ से कहाँ, आर ए से आर बी। तो इसकी इंटीग्रेशन में एक बार एक्स की जगह आर ए, आर बी एक बार आर ए, तो ये रहा वर्क डन। ये वर्क डन किसका वर्क डन आया, जब कितने चार्ज को उठा के रखा आपने क्यू टू, कहाँ से ए से बी, कितने चार्ज को क्यू टू। तो ये जो वर्क डन आया, ये वर्क डन आया कि जब आपने क्यू टू चार्ज को रखा उठा के, तो आपका ये वर्क डन आ गया, राइट, वर्क डन या एनर्जी आ गई, जो भी आ गई। पर पोटेंशियल डिफरेंस ये थोड़ी ना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को आपने उठा के रखा। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को उठा के रखा, किस चार्ज को उठा के रखा, क्यू टू, तो वर्क डन अपॉन क्यू टू, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही है, पर हमने जो इंटीग्रेशंस की उसमें क्या निकला, वर्क डन, पर हमने क्या निकालना है, वर्क डन अपॉन क्यू टू। ऐसा क्यों नहीं करते, इस वर्क डन के नीचे ले आओ क्यू टू, और वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू टू को क्या बोलते हैं, आंसर पोटेंशियल डिफरेंस का। याद बिल्कुल भी नहीं करना, देखना भी मत, मैं बताऊंगा इसका तरीका याद करने का, पर पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है क्या, वर्क डन अपॉन चार्ज। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। और अगर उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर ले, अब ये क्या है क्यू वन, इन्फिनिटी पे चले, क्यू टू चार्ज को उठा के लेके आए, तो जब आप क्यू टू चार्ज को उठा के लेके आएंगे और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल। तो इस पेज के बाद ना गलत पेज लग गया, नेक्स्ट पेज पे है ये, आगे कंटिन्यू प्लीज लिख लेना, पॉइंटर लगा लेना, प्लीज रेफर नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज, प्लीज रेफर नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज लिख लेना यहाँ पे कहीं पे ना, यहाँ पे प्लीज रेफर नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज आफ्टर दिस, तक याद रहे आपको। सारा कुछ सेम, फिर से एक बार लिमिट क्या, इन्फिनिटी से आर, सब कुछ सेम। तो जब आप इन्फिनिटी से आर वर्क डन कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे वही सेम डेरिवेशन कर दी, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, पर हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, कितना आपने वर्क डन किया डिवाइडेड बाय कितने चार्ज को उठा के रखा, कितने चार्ज को उठा के रखा, क्यू टू। तो वर्क डन को क्यू टू से डिवाइड कर देते हैं, तो जो बचा उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, 1/4πε0 क्यू वन बाय आर। तो जिस चार्ज को उठा के रखा जाता है, क्यू टू को या जिसको भी, वो ना तो पोटेंशियल लगाता है, ना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, जो स्टैटिक चार्ज है वही पोटेंशियल लगाता है। तो इसीलिए जब आपने इस टॉपिक में पोटेंशियल को निकाला, तो यहां पर पोटेंशियल किसकी वजह से आया, Q1 ना कि Q2, वो तो डिवाइड हो जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, ये तो चलो किताबी बातें हैं, मैंने बता दी आपको, मेरे को ये पसंद नहीं है ज्यादा। मैं ऐसा करता हूं, देखो सपोज आपके पास Q चार्ज है, ठीक है, आपके पास डिस्टेंस R है, आपको यहां पे क्या निकालना है, v निकालना है, राइट। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ r, आप यहां से q नॉट चार्ज को उठा के लेके आओ, उसका वर्क डन निकालो, फिर q नॉट से डिवाइड करो, फिर कह दो देखो q नॉट तो कट गया, फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात नहीं होगी ये। तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा, जहां पे v निकालना है वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही रख लूंगा, e की तरह, ये ज्यादा आसान नहीं है बस, क्योंकि जो लेके उठा के लेके आना, फिर उसको डिवाइड करना, फिर कट करना, फिर कहना देखो गायब हो गया, क्योंकि देखो जी वी तो क्यू ने लगाया था, तो लो ही मत। तो मैंने कहा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस क्यू ने यहाँ पे वी क्या लगाया, बोलो 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय डन, सबसे आसान तरीका। तो वी निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ भी नहीं करना, क्यू चार्ज लो, जहां वी निकालना है वहां दुनिया भर का चार्ज पड़ा होगा, देखना ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, वहां प्लस वन बेस्ट है, प्लस वन रखो। और मजे की बात, इसमें वेक्टर बनाने ही नहीं, इधर ने इसने इसको खींचा, उसने कोई खींचा था नहीं, बस इसने वी लगा दिया, खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है, वी निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे जैसे
अगर सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है ये 10 कूलम चार्ज है, 2 मीटर दूर आप प्लीज यहाँ वी निकालें, तो वी की वैल्यू क्या होगी, 1/4 pi epsilon naught 10/2 जूल पर कूलम, आंसर। ठीक, फिर आप कहोगे तो सबसे आसान क्वेश्चन है, पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज लो, दो ले लो, 10 कूलम चार्ज 2 कूलम चार्ज 3 रहने दो 10 कूलम चार्ज 2 कूलम चार्ज 5 मीटर 7 मीटर यहाँ पे वी निकालो, जहाँ पे वी निकालना है चार्ज, तो 10 कूलम ने यहाँ पर वी क्या लगाया, 1/4 pi epsilon naught 10/2 कूलम ने यहाँ पर वी क्या लगाया, 1/4 pi epsilon naught 2/7 वेक्टर है ही नहीं, ऐड कर दो आंसर, कोई इधर ने उधर इधर वेक्टर उधर वेक्टर कुछ नहीं करना, ऐड कर दो आंसर, डन। ये ज़्यादा आसान है मैं बता रहा हूँ आपको, कोई वेक्टर का चक्कर ही नहीं ना, तो क्लियर है। कोई कहता है अगर ये चार्ज माइनस होगा तो फिर यहाँ पर भी, फिर आप कहोगे सर आपने मना किया था ई और एफ में, यहाँ माइनस मत लगाना फॉर्मूले में, वो इसलिए मना किया था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स और वेक्टर्स, और उसमें माइनस वेक्टर्स ड्रॉ करने के काम आता है अट्रैक्शन रिपल्शन, वहाँ एडजस्टमेंट है, पर ये तो स्केलर है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस लेना है, तो आपको इसमें जो आंसर मिलेगा 1/4 pi epsilon naught 10/5 -2/7 सॉल्व कर लेना, क्लियर है। तो एफ के न्यूमेरिकल के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल में भी नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, पोटेंशियल इज अ स्केलर इसमें लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर इसमें भी लेंगे, तो पॉजिटिव पोटेंशियल भी होते हैं और फिजिक्स में नेगेटिव पोटेंशियल भी होते हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल मिलके बैटरी बनती है, प्लस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऐसे होता है ना, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब वहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव का मतलब वहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बैटरी के अंदर प्लेस कर देता हूँ 2 इलेक्ट्रोड्स, तो ये इस पे एक्सेस है इस पे डेफिशिएंसी है, तार लेते हैं वायर लेते हैं इसको जोड़ देते हैं, अब क्या होगा, चार्ज विल मूव फ्रॉम जहाँ एक्सेस है टू जहाँ डेफिशिएंट है, तो वायर में चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, बीच में बल्ब लगा दिया, बल्ब ऑन हो गया, कहते इलेक्ट्रिसिटी हो गई, अगला चैप्टर यही तो है, पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो ओम लॉ यहीं से तो स्टार्ट होगा, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि कैसे इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है। टाइम क्या हुआ है, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है,